बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन इस्लाम, टीवी चैनल्स, अखबारात, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह के ज़रिए आप हजरात और ख़वातीन तक ये ख़बरें यकीनन पहुंची होंगी कि इस वक्त हैदराबाद शहर और उसके साथ गुलबर्गा यानी हैदराबाद कर्नाटक जिसे कहते हैं, उस इलाके में बारिश की कसरत की वजह से सैलाब की सूरत हाल है। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो वहीं बहुत सारे ख़ानदान बेघर हो चुके हैं। कितने लोगों ने अपने घर का साजो सामान खो दिया है तो बहुत सारे लोग दाने पानी के लिए परेशान हैं। ऐसे हालात में हमारी और आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, वो हम और आप याद करें और उन जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम और आप, चाहे वो लोग जो इस मुसीबत का शिकार हुए हैं या वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने इसे महफूज रखा है, इस्तिग़फ़ार से काम लें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, इसलिए कि मुसीबत ज़दा लोगों को मुसीबत से नजात दिलाने में और मुसीबत से महफूज लोगों को आइंदा भी महफूज रखने में तौबा व इस्तिग़फ़ार बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। दूसरी बात, हम और आप सभी इन मुसीबत ज़दा लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़लो करम से इनके मामलात का ज़िम्मेदार हो जाए, इनकी मुसीबतों में जो कुछ इनको तकलीफ़ पहुँची है उनके गुनाहों का कफ़ारा बना दे और आइंदा उनके मसाइल का हल अल्लाह ताला गैब से इंतज़ाम करके कर दे। ये दुआ हम और आप कसरत के साथ करते रहें। तीसरी बात जो आप सभी से अपील के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आप जहाँ हैं जैसे हैं, अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया है, माल दिया है, सलाहियतें दी हैं, आपके पास वसाइल हैं, आपके पास राबिते ताल्लुकात हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए कि इंसान मुसीबत के वक्त में इंसान के काम आए, यह अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी नेकी है। दीन इस्लाम मुसलमान को पूरी इंसानियत का खैरख्वाह बतलाता है, तो मुसलमान को चाहिए कि मुसीबत की इस घड़ी में हर मुसीबत ज़दा इंसान तक ख़ुद पहुंचने की कोशिश करे। यह बड़ा अजीब मामला होगा कि मुसीबत ज़दा इंसान हमारे दरवाज़े, हमारी मस्जिदों और हमारे इदारों तक आए। असल तो ये है कि हम मुसलमान होने का सबूत इस तरह दें कि हम मुसीबत ज़दा लोगों के दरवाज़े तक पहुँचें और उनके घर तक पहुँचें और उनको देने की कोशिश करें, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। लिहाजा आप हस्बे ज़रूरत अपने पैसे से अपनी चीज़ें, साजो सामान ख़रीद कर, अनाज ख़रीद कर, कपड़ा लत्ता ख़रीद कर, घर का साजो सामान ख़रीद कर या फिर कंबल, ब्लैंकेट वग़ैरह जो लोगों की ज़रूरत वहाँ है उसको फराहम करने की आप और हम भरपूर कोशिश करें। और दो बातों का ख़ास तौर पर इसमें ख्याल रखें, गरीब आदमी गरीब होता है लेकिन इस मौके पे बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग भी बेचारे मुसीबत के मारे बाजार में आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर रिफाही काम करने वाली जमातों, तंजीमों और अफराद को चाहिए कि वो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग या रिफाह आम के काम की रिकॉर्डिंग के नाम पर इन लोगों की मजबूरी और गुरबत का तमाशा न करें। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने आपको मुझको महफूज रखा है। हम अपने आप को उनकी जगह रख कर देखें कि अगर हम उनकी जगह होते तो मुसीबत में होते हुए भी क्या हमें यह गवारा होता कि किसी से लेते हुए, किसी के सामने हाथ फैलाते हुए कोई हमें देखे, बल्कि हमारा वीडियो बनाकर सारी दुनिया में हमारा तमाशा हो। इस्लाम तो हम और आपको इखलास की तालीम देता है। हमें अंदाज़ा है कि तंजीमों की अपनी ज़रूरतें होती हैं, रिकॉर्ड रखना होता है सब कुछ, उसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जमा शुदा माल आप अपने पास रख कर उसकी तस्वीर ले लें, लोगों की तस्वीरें ना लें, लोगों के चेहरे ना आने पाएँ, लोगों की शख्सियतें सामने ना आने पाएँ, उनकी इज्जत, उनकी अपनी शराफत पर पर्दा पड़ा रहे, इसकी फ़िक्र हम और आपको करनी चाहिए। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें कि ऐसा ना हो कि हम उनकी मादी मदद तो कर रहे हैं लेकिन मानवी तौर पर उनके दिलो दिमाग और उनके जहन को, उनके नफ्स को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे। कहीं ऐसा ना हो, इस बात का ख़ास तौर पे हम और आपको ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये तआवुन
आप अपने अपने इलाके के जो मोतबर इदारे हैं, मोतबर तंजीमें जमातें हैं, उनके साथ तआवुन करते हुए करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इस मौके से कोई गलत फ़ायदा उठे, ना उठाने वाला गलत फ़ायदा उठाए। इसलिए हम और आप आगे बढ़कर एक दूसरे को साथ दें, एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे की मदद करें। याद रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह ताला भी बराबर बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा बंदे के काम आता रहता है। अल्लाह ताला हम और आपको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबत में मददगार हो जाए, और जो मुसीबत से महफूज हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, और जो इस मुसीबत में काम आ गए अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा दे, और जो कुछ हम और आप कोशिशें करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, अल्लाह ताला इन सब को महज अपने फजल व करम से कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।